नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हाल ही में भारत में सतलुज नदी के किनारे शोधकर्ताओं को दुर्लभ धातु टैंटलम मिला था, जिससे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि भारत में इतनी महंगी और दुर्लभ धातु का मिलना इसके भंडार होने की ओर भी इशारा कर रहा था। इस खोज से पहले भी जम्मू कश्मीर में लिथियम का पहला भंडार मिला था। यहाँ रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन यानी कि करीब 10 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा गया था, जिसके बाद सरकार ने इसकी नीलामी का ऐलान किया। अब भारत में खनिज उत्पादों की खोज में शोधकर्ता तेजी से आगे काम कर रहे हैं। देश में ईवी का चलन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में एथेनॉल की मिलावट, साथ ही सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की ओर भी देश में तेजी से काम हो रहा है और इस मामले में संपन्न देशों से मुकाबला कर रहा है और उसी कड़ी में आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में लिथियम जैसी दुर्लभ धातु की कमी है तो इसी वजह से ईवी महंगी है। लेकिन बहुत जल्द यह बदलने वाला है, क्योंकि एक तो देश में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार खोजे जा रहे हैं, दूसरी ओर भारत में जो खनिज मिले हैं उनकी नीलामी की जा रही है। अब जानते हैं कि क्यों है ये खनिज इतने जरूरी देश के लिए, ये किस तरह फायदेमंद है और इनकी नीलामी से भारत को क्या फायदा होगा। बताया जा रहा है कि नीलामी ऑनलाइन होगी और ये मोदी सरकार का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम माना जा रहा है। दरअसल इसी साल 17 अगस्त को खान एवं खनिज, जिसे कि विकास एवं नियामक कानून यानी कि माइल्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, उसमें एक संशोधन किया गया था। ये संशोधन खनिज की सप्लाई चेन को भारत के पक्ष में झुकाने की दिशा में एक प्रमुख पहल थी। सरकार ने इस संशोधन के जरिए 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के रूप में नोटिफाई किया था। इसी कड़ी में अब सरकार ने खनिजों की पहली किश्त की नीलामी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस नीलामी की शुरुआत की। इस पहल को एक ऐतिहासिक पहल के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा और दूरगामी कदम है। साथ ही पर्यावरण की नजर में भी ये अहम है, क्योंकि इससे भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि भारत 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से संचित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% हासिल करने को प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि इस कदम से भारत में ग्रीन एनर्जी को नए आयाम मिलेंगे और साथ ही साथ नई कंपनियां जन्म लेंगी, जिससे न सिर्फ भारत की GDP बल्कि इकोनॉमी को भी जोरदार बूस्ट मिलेगा। अब दुनिया भर में लिथियम की जरूरत बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार इसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है और इसके कई तरीके भी तलाश रही है। इसी कड़ी में विदेशों में खानों की खुदाई और उनसे निकले महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल कहते हैं, उसकी स्थापना साल 2019 में की गई। यह एंटरप्राइज विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, उसके अधिग्रहण और विकास के साथ प्रसंस्करण का काम देखता है। भारत अब चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देश जो कि खनिज संपन्न देश हैं, उनसे समझौते कर रहा है। इस नीलामी में 20 खनिजों को शामिल किया गया है, देश के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो आविष्कार और दूसरा देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अब भारत सरकार के इस बड़े कदम पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।